राजा या सेवक किस? काम बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, उसमें गुरुदीप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वो बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जब कुछ वो अपने साथ लाया था, वो सेव बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी साथ। हो लिया चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर भी छूट गए। राजा के साथ अकेला वो राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तुम इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे काम का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ, वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी और नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नर की प्रति बिना कारण ऐसी स्थिति से विवाद अश्चन स्वामी की सेवा गंदे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा और है। राजा ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है कि आयु क्रम धन विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुष्प उदय रहता है, तब तक
उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुष्कर घर जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं, पर एक बात है स्वामी की सेवा अकरात नहीं जाती, कभी न कभी कल मिल ही जाते हैं। ये सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने धामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उससे अपनी नौकरी में रख लिया, उसे बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया, रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कपड़े में स्नान कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर लकी सनी टू स्टोरी। अब सच्चे भरते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।